ऐसा माना जाता है कि जब तक किन्नर समाज के लोग संगम पर स्नान ना करें तब तक स्नान पूरा नहीं होता, इसका क्या महत्व है? देखिए जी, ये तो मेरे वेद बताते हैं। महर्षि भारद्वाज जी ने जब ये मेले का गणना की कि यहाँ पे तीर्थराज में मेला होना चाहिए, तो माघ की उन्होंने की, तो उनके उसी में था गौस्वामी पंडित जी और महाराज जी के उसमें देव धनुष किन्नर नरसिंह, जब तक माघ के मेले में किन्नर नहीं होता स्नान पूर्ण नहीं। ये तो मैं नहीं कहती, भवानी माँ नहीं कहती, ये तो हमारे वेद कहते हैं, हमारे भारद्वाज कहते हैं कि भी किन्नर जब तक शुभ काम में नहीं होगा वो शुभ काम नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा राम का वरदान है। आपके महामंडलेश्वर बनने तक का सफर कैसा रहा? देखिए, हमें अपना अस्तित्व बचाना था, हमें अपनी सभ्यताएँ बचानी थी। हम सतयुग में भी थे, त्रेता युग में भी थे और द्वापर युग और कलयुग में भी हम, जैसे जैसे युग बदलते गए, किन्नरों की सम्प्रदाय बदलती गई, तो जब भारत में मुगलों का राज हुआ तो आप सब कहते कि मंदिर तोड़े गए। वेदों में जब किन्नरों का उल्लेख है और राम जन्म में किन्नरों का उल्लेख है, राम के 14 वर्ष वनवास का उल्लेख है कि राम के साथ साथ किन्नरों ने भी तमसा नदी पे 14 वर्ष तपस्या की अपने राम के आने की। सिर्फ राम ने यह नहीं बोला था कि आप नर नारी चले जाओ, क्योंकि किन्नर कोई जाति नहीं है, देवताओं में। राम के जन्म के समय राम जब पैदा होते हैं और दशरथ जी अपने गले की मणियों की माला उतार के दाई को खुशी में देने लग जाते हैं, तो दाई कहते हैं महाराज हम ये 9 महीने नरक का द्वार नहीं लेंगे, लेकिन रघुकुल रीत चलता चलिए, प्राण जाए वचन न जाए। राजा दशरथ जी ने जब वो दान निकाल लिया तो उसको देना तो था, तो जब तक दान नहीं देंगे तो अन्न पानी धन ग्रहण नहीं कर सकते थे, तो अपने महर्षि वशिष्ठ जी से उन्होंने सलाह ली और कथा चलते चलते बधाई तक हमारी पहुंची। तो मेरा उल्लेख तो त्रेता युग में भी और द्वापर में कृष्ण के साथ भी वे हैं और कलयुग में हम समाज के साथ हैं, तो मेरी उपस्थिति हर जगह है। नर नारी जैसे दो पलड़े हैं, तो बीच में डंडी वो किन्नर है। मृत्यु में मैं हूँ, सत्य में मैं हूँ, हर जगह मेरी उपस्थिति है। लेकिन क्या है कि मैं एक योनी भी तो हूँ, एक आत्मा हूँ। आप पुरुष से पूर्ण लिंग है और आप स्त्री आप पूर्ण लिंग है, तो मेरे को भी तो परमात्मा ने ही बनाया। और मेरी जो सभ्यता है गुरु चेले की सभ्यता है। जब जब हमारी गद्दियों पे आक्रमण हुए तब तक हमें चाहे अपना धर्म बदलना पड़ा, चाहे अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ी या अपने खाने कमाने के तरीके बदलने पड़े, क्योंकि हमें अपनी गुरु गद्दियाँ बचाने, क्योंकि किन्नर हो या हिजड़ा हो रुपये का एक ही है, उसके पहलू दो अलग हो। मुगल काल में हमें हिजड़े से संबोधित किया गया, आज फिर से देखो कहते ना जो वेदों में किन्नरों का उल्लेख था, तुलसीदास जी ने मानस में 26 जगह हमारा उल्लेख करा, तो आज वो सत्य है ना, राम नाम सत्य, तो किन्नर सत्य नहीं था। तो हम अपनी सभ्यता को बचाने के लिए मुगल काल में किन्नर बने, हिजड़े से किन्नर से हिजड़ा बने, तो इस्लाम का बोलकर हमारी गद्दी इस्लामी हो गई। और जब हम गद्दी पे पहुंचे तो गद्दियाँ बहुत कुछ मांगती हैं, तो हमने हज भी किए 2015 में। फिर हिंदू समाज कहता है जी अब इन हिजड़ों को बधाई मत दो, ये मुसलमान हैं, ये तुम्हारे घर की बधाइयाँ लेके पाकिस्तान आतंकवादी से करके हमारी गलियों पर पोस्टर छाप दिए, आपने कभी हिजड़ा बोला, कभी मेरे समाज को बोला जी रात को जूता मारते हैं ले जाते, लेकिन किसी ने देखा नहीं। जो भी गरणा तुम्हारी, बनावट तुम्हारी, पैदा तुम्हारी, लेकिन तुमने जिस तरीके से हमें परोसा चला, पीठ पे मारा, हम सही पीठ पे मारोगे, हमें मुसलमान बना दोगे, हमें कोई बधाई नहीं देगा, पहले कोई इज्जत नहीं देता, सम्मान नहीं देता, तो प्रथा के लिए जब हम इस्लाम को बोल कर सकते तो रोटी के लिए हम वापस हिंदू नहीं बन सकते, आप लोग नहीं छेड़ते। मैं तो 2011 में इस्लाम कबूल करके हज कर चुकी थी। 2015 में हमारे खिलाफ जब हिंदू सभा वालों ने निकाल दिया भाई इन्हें बधाइयाँ मत दो, तो भाई हम हिंदू के बच्चे मुसलमान हुए तो वापस हिंदू भी हो गए। मेरे समाज में थोड़ी सी तब्दीलियाँ हुई,
आज मेरा पूरा भारत का समाज है, हिंदू का बच्चा हिंदू रहेगा, टीका लगाना चाहता है टीका लगाएगा। बहुत सारी हमारी पंचायतों ने इन चीज़ों को कर दिया, हमारे मतभेद खत्म हो गए। किन्नर भी मैं हूँ और हिजड़ा भी मैं ही हूँ, क्योंकि हम हिजड़े भी थे तो राधा कृष्ण की लोरियाँ गाते थे, और आज हम किन्नर हैं तो हमसे एक रुपया लेते समय को ये नहीं पूछता कि आप मुसलमान हो या हिंदू हो, लेकिन हम किन्नर। तो ये धर्म अपनी आत्मा और परमात्मा के लिए है। जातों को से दुमनिया बांट रहे हो, अब किन्नरों को धर्म में तो मत बांटो। किन्नर ने मानव जन्म को दुआ देने का काम किया है, दुआ देता है, दुआ देता है। और एक से दो और दो से तीन हो गए ना बेटा, किरण ऋण तुम्हारे पे बनता रहे और सारे कृष्ण से तुम मुक्त हो जाओ। जाओ, जय श्री महाकाल।